हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस तो बढ़ते हैं आज के दस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है ज्योग्राफी के तो ये कवर करेंगे लास्ट चैप्टर्स जो हमने कवर किए थे लास्ट वीक में तो चलिए करते हैं शुरुआत पहला क्वेश्चन है डैश इज अ प्योर रॉ मटेरियल फर्स्ट शुगर सेकेंड स्टील थर्ड कॉटन एंड फोर्थ इज पेट्रोकेमिकल्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉटन वो इसीलिए क्योंकि कॉटन ही एक लौता ऐसा रॉ मटेरियल है जो प्लकिंग से लेकिन प्रोसेसिंग तक बिल्कुल भी वेट लूज नहीं करता एंड जितने वेट में आप इसको प्लग करके प्रोसेस करके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे द वेट रिमेन्स द सेम इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक प्योर रॉ मटेरियल सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओ सी आई एल स्टैंड फॉर तो एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म आपको सही वाली चूज करनी है फर्स्ट इज नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेकेंड नेशनल ऑर्गेनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थर्ड नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड फोर्थ नेशनल ऑर्गेनिक कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड सो काइंडली मार्क योर आंसर प्लीज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेटअप हुआ था 1961 में एंड इट वाज़ फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि मुंबई में सेट हुई थी विद रिगार्ड्स टू नैफ्ता प्रोडक्ट्स तो नैफ्ता प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं हमारे इट इज़ अ काइंड ऑफ पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स ठीक है जिसको हम बेसिकली यूज किस लिए करते हैं फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ कह सकते हैं आप इथाइलिन एंड अदर प्रोडक्ट्स तो 1961 में फर्स्ट प्राइवेट कंपनी मुंबई में जो सेट हुई थी विद रिगार्ड्स टू नेफ्था प्रोडक्ट्स वो थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया First, hail area development programs were initiated during the fifth five year plan. Second, drought prone area program was initiated during the fourth five year plan with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas and creating productive assets. Which of the above statements is or are correct? First, first only, second, second only, third, both first and second, fourth is none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ वन एंड टू यानी दोनों ही दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ड्यूरिंग फिफ्थ फाइव ईयर प्लान बनाया गया तो जब हमने केस स्टडी पढ़ी थी यहाँ पे भरमौर वाली आई क्लियरली एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे हम एक जैसे ट्राइबल एरिया था भरमौर का उसको कैसे आप कह सकते हैं फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई और लोगों में कैसे आप देख सकते हैं चेंजेस आए तो ड्रॉड प्रोन एरिया प्रोजेक्ट जो था इनिशिएटेड ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान क्योंकि ये फिफ्थ में था तो फोर्थ में था हमारा ड्रॉड प्रोन एरिया इनिशियल ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था कि हम लैंड की क्वालिटी को सही करेंगे बट लैंड की क्वालिटी को सही करने के साथ साथ हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में हमारा यही मोटिव था कि वहां के लोगों को साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिले और एग्रीकल्चर वहां पे भी फ्लरिश करे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्विनरी एक्टिविटी फर्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स सेकेंड फाइनेंशियल बैंकिंग थर्ड कंसल्टेंट्स फोर्थ कम्युनिकेशन फिफ्थ स्पेशलिस्ट सो सिलेक्ट द करेक्ट कोड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री एंड फाइव ओनली यानी कि कंसल्टेंट्स एंड स्पेशलिस्ट है हमारी क्विनरी एक्टिविटीज वेर एज ट्रेड एंड कॉमर्स फाइनेंशियल बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन है हमारा टर्शरी सेक्टर में आप कह सकते हैं जिनका योगदान है तो क्विनरी एक्टिविटीज हमारी कौन सी एक्टिविटीज होती है क्विनरी एक्टिविटीज इज रिगार्डिंग टू द अगर आप कह सकते हैं अभी करंट हमारी कोई इनोवेशन चल रही हो ठीक है डाटा कलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं ठीक है डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं ये सारी की सारी जितनी भी हमारा काम है ये हमारे आती है क्विनरी एक्टिविटीज में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन रेलवे फर्स्ट इंडियन रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इन टू फोर्टीन जोन सेकेंड

तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ टू ओनली तो जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड नॉट इनटू 14 बट करंटली एटीन जोन्स ठीक है एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द विथ ऑफ द ट्रैक इंडियन रेलवे थ्री कैटेगरीज में ही डिवाइड करता है ब्रॉड गॉर्ज मीटर गॉर्ज एंड नैरोग दैट इज अ क्वाइट सिम्पल आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेनशन की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अंकलेश्वर ऑयल फील्ड फर्स्ट इट इज लोकेट इन महाराष्ट्र सेकेंड द ऑयल ऑफ दिस रिजन बिलोंग्स टू द न्योजीन पीरियड विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट इज वन ओनली सेकेंड इज टू ओनली एंड थर्ड टू एंड ऑफ दंबर डी दट इज नन ऑफ द अब क्योंकि सबसे पहले हमारी जो ये अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है दीज आर नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र बट इन गुजरात एंड सेकेंडली जो हमारी ऑयल फील्ड ऑफ दिस रिजन बिलोंग्स टू नॉट द नियोजीन पीरियड बट टू द ईओसीन पीरियड तो अब हमारा ईओसीन पीरियड में एक्चुअली में हुआ क्या था ईओसीन पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ था 56 से 33.9 मिलियन इयर्स अगो ठीक है एंड इस टाइम पे आप कह सकते हैं हमारे जो पुराने मैमल्स है एग्जिस्टिंग मैमल्स से उनको कर लिया गया था ओवरकम या आप कह सकते हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द करंट मैमल्स जो हम देखते हैं ठीक है तो so, जो हमारे करंट एनिमल्स हैं ये बेसिकली हैं फ्रॉम द इोसिन पीरियड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डैम इज हिराकूद प्रोजेक्ट रिवर इज महानदी रिवर सेकेंड इज तेहरी डैम एंड द रिवर इज भागीरथी रिवर थर्ड इज तुंगभद्रा प्रोजेक्ट एंड रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ़ ऑफ़ रिवर, आर करेक्टली मैचड ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री ओनली एंड ऑल आर करेक्टली मैचड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल करेक्टली तो बेसिकली इसका मोटिव यही था कि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे तरीके से बता पाऊं तो पहली बात आती है हीरा प्रोजेक्ट और महानदी रिवर पे तो बेसिकली जो हमारा हिरा प्रोजेक्ट था दैट वॉज स्पॉन्सर्ड आप कह सकते हैं शुरू किया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है एंड ये फोर्टीन किलोमीटर का प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं या डैम है एंड मोर ओवर इसको अगर आप कहें इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट डैम एवर कंस्ट्रक्टेड तो ये प्रोजेक्ट हो जाता है एज इट इज फेमस अगर आप की बात करें सेकेंड इज विद रिगार्ड टू तहरी डैम एंड तहरी इज लोकेटेड एट आप कह सकते हैं भागीरथी रिवर पे आप कहें द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी विद द भील गंगा ठीक है एंड साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में आया था क्योंकि ये जो तहरी डैम बना है इससे कहा जा रहा था कि इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि जहां पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है वो एरिया है बहुत ही ज्यादा प्रोन तो इस पर भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं चर्चा हुई थी थर्ड इज द तुंग भद्र प्रोजेक्ट जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्ण रिवर की वहां पे बना है ये प्रोजेक्ट एंड साथ ही साथ ये इरिगेट करता है आप कह सकते हैं 4 hectares of arable land and produce karta hai 126 megawatt of electricity so the next question is consider the following statements with respect to silimanite it is used in ceramics metallurgy glass and cement manufacturing industries second it cannot withstand high temperatures third odisha is the large second largest producer odisha is the second largest producer of silimanite in india विच ऑफ दर आर इन करेक्ट तो यहाँ को आपको इन करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है ऑप्शन ए इज वन एंड टू बी टू एंड थ्री थर्ड इज वन एंड थ्री ओनली एंड डी इज न अब तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू एंड थ्री ओनली यानी कि हमारी स्टेटमेंट नंबर टू एंड थ्री इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट तो आपको अगर नाम पता है इस मिनरल का तो आपको ये चीज भी पता होगी कि इट इज एलुमिनो सिलिकेट मिनरल एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ए एल टू एस आई ओ फाइव तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी मेटल की प्रेजेंस नहीं है तो इट इज नॉन मेटालिक मिनरल ठीक है एंड साथ ही साथ इसकी क्या क्वालिटी रहती है कि ये यूज हो रहा है सेरेमिक्स में मेटल में ग्लास एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो इससे हमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये चीज भी कनेक्ट कर, uh, कर सकते हैं कि नॉन मेटालिक है और यूज हो रहा है सीमेंट ग्लास मेटल में तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हाई विद स्टैंड नहीं कर सकता तो हाउ कैन द फर्स्ट पॉइंट बी करेक्ट सो इट मीनस कि इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर And third is Odisha is not the second but the largest producer of silimanite in India. Second largest, which have is Kerala. So this is the correct answer. Consider the following: In developing countries, poor, semi-illiterate, and the unskilled migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs at low cost wages in informal sectors in urban areas. Second. the rural urban migration stream is dominated by the males which of the above statement is or are correct a one only b two only c both one and two d none of the above तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ वन एंड टू यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट तो जब हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन का तो हमने देखा था कि जैसे ही हमारे जो माइग्रेटिंग पीपल होते हैं रूरल एरियाज से जो जाते हैं अर्बन एरियाज में वो बिल्कुल छोटे मोटे काम कर लेते हैं क्योंकि दे आर अनस्किल्ड एंड साथ ही साथ छोटे काम करने के साथ लो वेजेस पे भी काम करते हैं जिसपे हमने केस स्टडी भी पढ़ी थी एंड साथ ही साथ उस केस स्टडी का कंक्लूजन भी यही था कि रूरल अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय द मेल्स क्योंकि फैमिलीज एक्चुअली में पीछे रह जाती हैं एंड मेल्स नहीं लेके आ सकते अपनी फैमिलीज को या माइग्रेट नहीं करवा सकते अपनी फैमिली क्योंकि दे कैनोट अफोर्ड इट सो द्वेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंगली फ्रॉम्रेडेड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दस्टल सैंड जो हमारे मार्शी एरिया क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली लिखा है ना From द नेचुरल एजेंट्स तो जो हमारे मार्शी एरियाज़ है या सेलिडिटी ऑफ लैंड है तो ये बोथ हमारे ह्यूमन प्लस नेचुरल के कह सकते हैं आप एग्जाम्पल से डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है एक्सक्लूसिवली ह्यूम्स की वजह से फॉर्म होते हैं वहराज कोस्टल साइंस की अगर हम बात करते हैं वो एक्सक्लूसिवली नेचुरल एजेंट से फॉर्म होता है तो आज के सेशन में इतना ही मिलेंगे किसी नए इनिशिएटिव के साथ टिल देन थैंक यू सो मच